अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में, अपनी फैमिली में खुश और शाद होंगे। आज मैं एक नया कार्डिगन लेके आ रही हूँ। आई हूँ ये 2 से 3 साल के बच्चे के लिए इनफ होगा। ये दोनों गर्ल्स और बॉय दोनों ही पहन सकते हैं। और ये देखें, ये गोल गले के साथ, ठीक। मैं आपके सामने इसकी मेजरमेंट कर देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। लेकिन मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि ये मैं जो बनाती हूँ वो एक आम कह दे आप स्टैंडर्ड साइज़ सा हो जाता है बनाती हूँ, लेकिन आप पे डिपेंड करता है, आपके बच्चे की हेल्थ पे डिपेंड करता है कि आपने ख़ुद फिर अंदाज़ा लगाना होता है कि आप कि ये फ़िट होगा या आप किसको बड़ा खुला या तंग करने की नीड है। इसकी सबसे पहले तो मैं इसकी लेंथ ले लेती हूँ। लेंथ अगर अब मैं यहाँ से शुरू करती हूँ यहाँ तक, ये तकरीबन 15.5 इंच का हो रहा है। ये 15.5 इंच लंबा है। अगर आप इससे छोटा करना चाहते हो तो आप एक दो पैटर्न लेस कर दीजिएगा। और यहाँ से अंडर आर्म से ये 9.5 है, ओके। ये 9.5 यहाँ पे है, 9.5 ये इसकी ये लेंथ है। और यहाँ से अगर आप, वैसे तो ये इतना पोर्शन शोल्डर का होता है, स्लीव्स जहाँ तक काउंट होंगे अगर आपने करना है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से यहाँ तक आपको इस नेक से यहाँ तक करती हूँ तो ये 16 तकरीबन बन रहे हैं, ओके। तो ये 3 साल के, 2 से 3 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक मेजरमेंट है। लेकिन यहाँ, हाँ, बाकी ये है यहाँ से, ये यहाँ पे हो रहा है 13 इंच। अगर तो आप अपने बच्चे का, क्योंकि इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये खुलेगा तो सही, ये उसकी बैक है, ये देखें खुलेगा तो सही, जब पहनेंगे बॉडी पे एडजस्ट होगा तो ये ऐसे खुल जाएगा ना। फिर भी खुल के पूरा, अगर आप खुले तो आप कह लें कि ये 14 तक खुल जाएगा, ओके, 14 इंच तक ये। लेकिन फिर भी आप अपने बच्चे का कोई भी जंपर, कोई भी कार्डिगन जो आपके पास है उसको देख के, उसकी मेजरमेंट करके आप इसको इसको बनाएं। अगर तो वो इतना ही साइज़ आपको, और यहाँ ये देखें, आपको लगता है कि ये टू लॉन्ग है, जब इतना उसका शोल्डर यहाँ पहनेगा बच्चा तो ये इसकी आर्म होल होगा इतना, ठीक है, ये शोल्डर कवर हो जाएगा ऊपर से और ये ऐसे आर्म होगी। मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि अगर तो आपको इससे लेंथ तो ठीक है जैसे भी आपको लगा, लेकिन चौड़ाई आपको कम कर रही है, बच्चा हेल्दी है, स्मार्ट, स्लिम स्मार्ट नहीं है, थोड़ा सा चबी है, तो फिर आप ये कीजिएगा कि ये दोनों साइडों पे, ये किस साइड पे ये पैटर्न बढ़ जाएगा, एक किस साइड पे बढ़ जाएगा। जब दो पैटर्न बढ़ेंगे तो तकरीबन 2 इंच का फर्क पड़ जाएगा, ओके, दो पैटर्न। और फ्रंट बैक पे तो 2 पड़ेंगे, फ्रंट पे एक एक पैनल पे एक एक ये पैटर्न साथ साथ जो स्टिचेस पे पड़ा है ये दोनों साइडों पे एक बढ़ा लीजिएगा। तो ये जो यहाँ तकरीबन 13 है तो ये इतना 15 इंच चौड़ा हो जाएगा, अगर आपका बच्चा चबी और हेल्दी है। अगर स्लिम है, स्मार्ट है, तो ये वैसे ही उसके पूरा आएगा। 2 से 3 साल के बच्चे के लिए ये बिल्कुल ठीक होगा, ओके। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने इसको बनाते बनाते मैंने इसकी वीडियो भी पूरी रिकॉर्ड की, यह जो कि मैं अपलोड करूँगी। और स्लीव का भी ऐसे ही है, आप स्लीव्स को भी एक पैटर्न बढ़ा दीजिएगा अगर आपको ये खुला चाहिए, ओके। इसी बाकी सारा प्रोसीजर इसी तरह रखिए जितना मैंने बुक किया हुआ है। फिर यहाँ से भी खुला हो जाएगा, इधर से भी खुला हो जाएगा, सब हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपका बेबी तो यही इतनी ही ठीक है, लेकिन उसकी एज 4 से 5 ईयर है तो तब भी आप इसका पैटर्न बढ़ा दें, थोड़ी पैटर्न बढ़ाएं तो वो 4 से 5 ईयर ओल्ड बच्चे के लिए ठीक हो जाएगा। और दो बढ़ाएंगे तो 7 to 6 to 7-8 तक हो जाएगा। इस मैं एक मेन आपको उसका प्रोसीजर बता देती हूँ, बाकी आप अगर थोड़ी थोड़ी इसको थोड़ी सी आप कोशिश करें तो इसका बड़ा साइज़ भी कर सकते हैं। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी बढ़ा दीजिएगा, जितनी इधर से बढ़े उतनी ही इधर दोनों साइडों से बढ़ाएं, वो पीछे से फिर वो डबल डेफिनेट बनेगी। और जितना आप यहाँ से बढ़ाओगे उतना ही आप स्लीव बढ़ा लें। बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है और आप परेशान नहीं हुआ करें, बस अल्लाह का नाम लेके, जिसको भी आप मानते हो, भगवान, जो भी, बस शुरू हो जाया करें तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। और ये ऐसे, ठीक है। और अभी मैं आपको इसकी जो मैंने वीडियो अपलोड की है वो सॉरी अभी जो मैंने आप इसकी वीडियो बनाई है वो इसके बाद अपलोड करती हूँ। और वूल जो है इसको तकरीबन
नियरली आप ये कह लो कि 200 ग्राम से थोड़ी सी लेस लगी है, क्योंकि ये पैटर्न काफ़ी ऐसा था, ये आप कह लें कि 150 से ज़्यादा वूल लगी है। आप अगर, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, अगर आप वूल बाय करो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही ले लो, 200 ग्राम तक की ले लो, ताकि अगर आपने साइज़ थोड़ा सा खुला बनाना है या जो भी करना है वो फिर आपके काम आएगी। ओके चले जी, वीडियो बनाना, इसको बनाना सीखते हैं। ये मैंने टू पार्ट बैक का यहाँ तक बनाया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। ओके और इसी तरह मैंने ये फ्रंट हाफ भी इस बनाया हुआ है, ये एक वाला। ओके यहाँ तक ही बना लिया है दोनों, और ये वाला मैं आपके साथ बनाती हूँ और आपको साथ ही आपको पैटर्न भी सिखाती हूँ ये मैंने कैसे बनाया। ओके ये बैक के लिए मैंने 86 स्टिचेस लिए थे। ये वाला 5 में जाता है, 2 में ये आता है, फिर ये 5, फिर ये 2, फिर ये 5, ये 2। ओके 5 2 5 2 करके, और मैंने ये कितने टाइम रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम मेरा डिज़ाइन रिपीट हुआ है, और दोनों साइड, ये इधर भी मेरे 2 हैं और इस साइड पे भी 2 है। ओके 86 को आप इस तरह, और ये जो फ्रंट हाफ है ये मैंने कैसे लिया, ये मैंने 43 तो लिए इसके, और प्लस 10 ये फ्रंट हाफ। ओके ये 10 का ये हुआ पट्टी और ये 43 बना, मैंने स्टिच इकट्ठे बना लिया यहाँ, फिर मैंने इतनी बनाने के बाद इसको छोड़ दिया, ये मैं बाद में इसको सेपरेटली ज्वाइन करूँगी बनाने के बाद। ओके अभी मैं ऐसा करूँगी, 43 प्लस 10, 53 स्टिचेस आपके सामने डालती हूँ। और ये जो मैंने एज है ये भी मैंने डबल बनाया हुआ है ना, थोड़ा सा बड़ा लगता है, वो आपको मैं बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। इसके लिए जो वूल है वो मेरे पास ये डबल निटिंग होती है, और बेसिकली ये तो वैसे तो ये डब लेकिन होती ये 3 प्लाई है। ओके इसमें अगर आप इसको खोलते हो तो ये इसमें ये ऐसे 3 3 ये जो है ना धागे ट्विस्ट हुए होते हैं, ये 3 प्लाई होती है। और नीडल जो मैंने इसके लिए यूज़ की है, जो नीडल यूज़ करती हूँ वो है मेरी साइज़ यूके साइज़ 8 साइज़ है, और ये 4 mm है। ओके क्योंकि इसमें ये खुला है 4 mm। अब हमने इसको डबल ये करना है कि ये मैंने इसको ऐसे ट्विस्ट किया, ऐसे इसमें से नीडल ला ली, और ये वाला जो है धागा, ये जो एक्स्ट्रा एक डबल है वो मैंने इसको इस तरह होल्ड कर लेना है, और मैंने इस तरह इसके जब मैं दूसरे वाला स्टिच बनाऊंगी तो इसने फिर टाइटन हो जाना है खुद ही। जब मैंने ऐसे दूसरा बनाया और इसको खींचा तो ये देखे टाइट हो गया। ओके अब मैं इसी तरह इसके 1 2 हो गए मेरे पास स्टिच, 3 4 5 इस तरह मैं इसके 54 स्टिचेस डाल लेती हूँ, 5 6। ओके जी ये मैंने 53 स्टिचेस डाल ली हैं, और ये देखें ये एज मेरी राइट साइड होगी, ये रॉन्ग साइड होगी। ओके और ये धागा यहाँ पे है इस वक्त। ओके और आपको जैसे मैंने बताया था ये इसका एक फ्रंट हाफ मैंने बनाया हुआ है, इसमें पट्टी इधर आ रही है, तो इट्स मीन जब ये फ्रंट होगा, अब ये जब फ्रंट होगा तो पट्टी मैं इस साइड पे 10 स्टिचेस रखूंगी। ओके और ये मैं बनाऊंगी, अभी मैं रॉन्ग साइड पे जा रही हूँ। ओके यहीं से सबसे पहले तो मैं एक सीधा एक उल्टा बनाऊंगी, यहाँ तक 43 स्टिचेस को मैं एक सीधा एक उल्टा करके बनाना शुरू कर दूंगी, ऐसे एक सीधा एक उल्टा ऐसे। ये मैंने इतने बना लिए हैं बॉर्डर के। ओके ये 10 मेरे पास रह गए, 1 2 3 4 5 10। ओके 10 मेरे पास रह गए, अब ये मैं करूँगी इन 10 को, ये तो सीधा ये उल्टा। ओके और ये मैंने 1 2 3 4
फाइव एंड सिक्स मैंने सीधे सीधे बना लिए, फिर ये एक उल्टा होगा और ये सीधा, ठीक। अब दूसरी साइड पे हम ये करेंगे, ये इसको मैं ऐसे ही उठाने के बाद ये जो मेरा सीधा है इसको भी मैं ऐसे ही पिक कर लूंगी, ओके। और बाकी ये मेरे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये है, और ये भी मैं ऐसे ही पिक कर लूंगी, और ये मेरा एक उल्टा, ओके। उसके बाद ये बॉर्डर स्टार्ट होने लगा। बॉर्डर में क्या करना है, ये यहाँ उल्टा है तो मैं उल्टे को पीछे से ला के बनाऊंगी, ये मैं ऐसे सीधे इधर से ला के बनाऊंगी, ओके। फिर मैंने धागा किया तो उल्टे को मैं ऐसे पीछे से ला के बनाऊंगी, धागा पीछे सीधे को मैं ऐसे पीछे से ला के बनाऊंगी। इसी तरह ये मैं सारा बॉर्डर रो कंप्लीट करने के बाद रॉन्ग साइड भी ऐसे ही, जो सीधे हैं वो भी मैं पीछे से बनाऊंगी, जो उल्टे हैं वो भी मैं पीछे से बनाती हूँ। मैं बनाने के बाद रॉन्ग साइड भी उसी तरह बनाते आ गई हूँ, उल्टा भी मैंने पीछे से उठाया एंड सीधा भी मैं पीछे से उठा रही हूँ, ओके। अब ये 10 जो मेरे वही बॉर्डर पट्टी के हैं, एक दो तीन चार पाँच, इसमें ये सीधा तो मैंने ऐसे ही उठा लेना है, धागा मैंने इधर लेके आना, ये जो मैंने ऐसे ही पिक कर लिया था इसको अब मैंने उल्टा बनाना है, ओके। फिर धागा पीछे, फिर छः सीधे, एक दो तीन चार पाँच सिक्स, सिक्स सीधे हो गए। फिर मैं आगे लेके आई, ये जो मैंने ऐसे ही पिक किया था ये मैंने उल्टा बना लेना है ऐसे करके, और धागा पीछे करने के बाद ये मैंने सीधा बना लिया, ओके। अब अगली साइड फिर हम ऐसे ही करेंगे, ये मैं ऐसे ही पिक कर लूँगी, पिक करने के बाद ये भी ये सीधा ऐसे ही पिक हो जाएगा, ये सिक्स मेरे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मेरे ऐसे सीधे हो जाएंगे, और ये वाला जो है ये मैं ऐसे ही पिक करने के बाद धागा आगे करूँगी, ये एक उल्टा बना लूँगी, और यहाँ से फिर मेरा बॉर्डर वाला वही उल्टा पीछे से ये ऐसे इसी तरह ये बॉर्डर बनना शुरू हो जाएगा, ओके। ये पूरी सिलाई इसी तरह कंप्लीट कर लें जी। ये देखें मैंने ये रॉन्ग साइड से ये सारा इसी तरह बनाते बनाते जब यहाँ आ गई हूँ, अब मैंने ये नहीं बनाना, यहाँ से मुझे इसको सेफ्टी पिन में ये 10 जो मेरे स्टिचेस हैं, वन टू थ्री फोर फाइव 10 स्टिचेस हो, मैं इस सेफ्टी पिन में ऐसे डाल के इसको बंद कर लूँगी, ये बाद में हम सेपरेट बनाएंगे। वो क्यों बनाएंगे इसकी भी रीज़न है, जो कि आप जैसे ही जब वीडियो वॉच करोगे तो पता चल जाएगा ये मैं क्यों ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक है ना। इनको मैंने ऐसे प्रो लिया, और यहीं से फिर मैं वापस बॉर्डर बनाऊंगी जितना के मुझे चाहिए, ओके जितना ये बना हुआ है, यहीं से ये इतना मैं अभी मैं यहाँ इतना मैं मोर बॉर्डर बनाऊंगी, ओके। ये मैं देखे इतनी में हमें 9 सिलाइयाँ डली हैं, ये मैंने बना लिया है, और इतना ही ये बना हुआ था, और ये इसकी कितना है देखते हैं, ये 1.5 इंच के पास है थोड़ा सा, ओके इतना इनफ होगा। अब हम इसको डिज़ाइन डालते हैं, डिज़ाइन के लिए हम पहली 2 सिलाइयाँ डिज़ाइन की तैयारी के लिए हैं, वो ये कि यहाँ देखे मैंने ये वैसे 5 2 5 2 करके डिज़ाइन डलता है, यहाँ भी फ्रंट पे भी 2 है, लेकिन इधर मैंने सिर्फ 1 ही रखा हुआ है, वो इसलिए कि अगर यहाँ भी 2 डालती और ये पट्टी तो ये इसका दरमियान में काफ़ी गैप फील होना था, जो कि नीट नहीं लगना था। अब ये पट्टी वाली साइड है, यहाँ से मैं एक ऐसे ही उठाऊँगी, एक तो मैंने ऐसे ही उठा लिया, ये जो मैं एक होगा, फिर अगले हमें 5 जो है मुझे सीधे स्टिच बनाने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। धागा आगे 2 मैंने उल्टे, धागा पीछे 5 सीधे, 1 2 3 4 5 धागा आगे 2, इसी तरह 2 उल्टे 5 सीधे करके ये मुझे सारी सिलाई डाल लेनी है, पूरी सिलाई डाल ली है। अब रॉन्ग साइड पे इसी तरह जो सीधे हैं वो सीधे डालूंगी, जो उल्टे हैं वो उल्टे डालूंगी, यहाँ जो उल्टे थे वो 2 सीधे हो जाएंगे एंड 2 सीधे,
पांच उल्टे, दो तीन चार एंड पांच, ओके, फिर दो सीधे, इसी तरह पांच उल्टे दो सीधे, पांच उल्टे दो सीधे करके ये पूरी सिलाई डालनी है। अब हम डिज़ाइन डालते हैं। ये मैंने दो सिलाइयाँ डालनी हैं। अब ये करना है, ये तो मैंने ऐसे ही उठा लिया, ये जो पांच का है, पांच को हमने गौर से आप देखें ज़रा, पांच के ये तीन है, ये मैंने इसको इसी तरह सिलाई में उतार लिए, ठीक। उतारने के बाद ये इसको मैं ऐसे किया और इनको वापस इस तरह डाल लिया, सीधा किया यानी कि उनको, ठीक। अब ये तीन भी मैंने इसी तरह इसमें डाल लेने हैं, इनको मैंने इसी तरह शेप दी। अब इन पांच को इकट्ठे मैंने पिक किया, पिक करने के बाद धागा ऐसे डाला, डालने के बाद अगर आप ऐसे निकालोगे तो ऐसे निकलता नहीं है, ओके। आप धागे को जब ऐसे करोगे, जब खींचने लगोगे तो थोड़ा सा हाथ को इस तरफ को टिल्ट कर लें, थोड़ा सा हाथ इस तरफ को टिल्ट करके ऐसे करें तो ये निकलेगा, वरना बहुत फोर्स लगती है और हाथ दुखने लग जाता है, ठीक। एक दफ़ा हो गया, फिर मैंने धागे को इस तरह किया, करने के बाद फिर उस वहीं से पांचों को लिया, फिर मैंने धागा ऐसे डाला, डालने के बाद इस तरह जब निकालने लगूंगी, जब यहाँ तक आऊँगी तो मैं हाथ को थोड़ा सा इधर को ऐसे टिल्ट करके इसको ऐसे निकाल लूँगी, ठीक। फिर धागा आगे किया, ऐसे एक दफ़ा ऐसे किया, फिर पांचों में से निकालना है मुझे, फिर इसी तरह बनाने के बाद इसी तरह पांच को मैंने किया और ये फिर मेरे पांच ही बन गए। ये देखिए, एक दो तीन चार एंड पांच, ओके। अब दो मैं उसी तरह उल्टे बनाऊंगी ऐसे ही गैप के। अब फिर गौर से देखें, मैंने इन तीन को ऐसे ऐसे पिक कर लिया, ओके, ऐसे सिलाई में, फिर इन दो को ऐसे उठाया, उठाने के बाद इसको ऐसे मैं सीधा कर रही हूँ, करने के बाद इनको भी मैं वापस तीनों को इसी में सिलाई में वापस ले गई, ओके। अब इन पांच को मैंने इकट्ठा पिक किया, धागा ऐसे डाला, डालने के बाद जब मैं यहाँ तक मैंने दबा लिया और उठाने के लिए मैंने हाथ को थोड़ा सा ऐसे करूँगी, सॉरी, ऐसे करने के बाद थोड़ा सा मैं ऐसे करूँगी ताकि ये बाहर आए धागा, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है इसको करना, फोर्स लगती है बहुत। आप क्रोशिया से भी कर सकते हो, लेकिन वो भी फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ओके, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप फिर धागे को ऐसे करो, करने के बाद दो स्टिच फिर उसी में से करो, धागा ऐसे डालने के बाद जब यहाँ पर आओ तो ये राइट हैंड को आप थोड़ा सा इधर को ट्विस्ट करके ऐसे कर लो, ठीक। फिर ऐसे करो, फिर उसी में करने के बाद थ्री टाइम उसी तरह आपने निकालना है, फिर करना जब यहाँ तक नीडल आप दबा लो तो ये मेरा राइट हैंड, ये जो राइट हैंड है इसको थोड़ा सा ऐसे करना है, थोड़ा सा ऐसे करके इसको निकाल लो, ठीक। और ये फिर दो उल्टे इसी तरह, ये मुझे बस एक ये सिलाई दो आपसे टाइम लेगी और थोड़ा सा लगेगा, वरना बाकी तीन सिलाइयाँ तो चार सिलाइयों पर ये बनता है, तीन तो आसान है, उसी तरह डालनी है। ये इसको मैंने इसी तरह पिक किया, ऐसे किया इनको, फिर इसी करने के बाद ऐसे करने के बाद जब मैं यहाँ आई तो मैंने अपने हाथ को ट्विस्ट करने के बाद फिर थोड़ा सा राइट साइड पे उसको मैं ऐसे प्रेशर डालूँगी ऐसे, ये देखिए ऐसे निकलता है। अगर इसको आप सीधे से ऐसे निकालोगे तो सिलाई वापस आ जाएगी, ये स्टिच नहीं बन के आएगा, ओके। इसी तरह मैं ये बाकी भी अपने कंप्लीट कर लेती हूँ, ऐसे करना, ऐसे ऐसे। अगर ये आप इस तरह करके इसी तरह खींचोगे जो देखे स्टिच बन के नहीं वापस आएगा, ऐसे बहुत मुश्किल आ भी जाता है समटाइम, लेकिन थोड़ा सा हाथ को फिर बहुत राइट हैंड बहुत प्रेशर पड़ता है, दुखने लग जाता है। इस तरह ये थोड़ा सा आप करोगे तो आसान हो जाएगा। ये देखिए ऐसे करो, जब यहाँ इसको दबा लो तो राइट हैंड को थोड़ा सा इधर को करो ताकि सिलाई इधर को इधर आ जाए,
सिलाई इधर आ जाए ना, इस साइड पे आ जाए, और इसी से फिर आप ऐसे निकालोगे तो आराम से स्टिच बन के बाहर आ जाएगा। ओके चलिए आप इसको कंप्लीट करें, इसकी प्रैक्टिस करें। मैं तो यही कहूँगी आप इसकी पहले प्रैक्टिस कर लें तो फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा। और कभी भी कोई भी चीज़ मुश्किल लगे तो उसको घबराओ नहीं, बस एक दो दफ़ा करो तो आप पे खुद ही पता चल जाता है कि इसको कैसे करना है। ये भी मैं कंप्लीट कर ली, ये मैंने सारी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब जो उल्टी सिलाई है, रॉन्ग साइड है, वो तो उसी तरह डलेगी। दो मैं सीधे करूँगी, पाँच उल्टे, दो सीधे पाँच उल्टे, अगले ये ऐसे दो सीधे हैं ये, अब ये मैं पाँच उल्टे बनाऊँगी, एक दो तीन चार एंड पाँच, ओके फिर दो सीधे, फिर पाँच उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, इसी तरह दो सीधे पाँच उल्टे करके ये मैं कंप्लीट कर ली। ये मैंने कंप्लीट कर ली। अब अगली दो सिलाइयाँ भी मुझे उस, ये फोर सिलाइयों पे पैटर्न पड़ता है, अगली दो सिलाइयों में मुझे पांच सीधे दो उल्टे, पांच सीधे दो उल्टे डालने हैं, और यहाँ दो सीधे पांच उल्टे, दो सीधे पांच उल्टे, जैसे ये मैं एक उठाने के बाद वैसे ही पांच सीधे, एक दो तीन चार पांच, फिर दो उल्टे, एक दो पांच सीधे दो उल्टे, ये पूरे ऐसे करिएगा, और ये भी पांच उल्टे दो सीधे, इस तरह कंप्लीट कीजिएगा जी। ये ऐसी तरह मेरी, ये मैंने रॉन्ग साइड भी पांच उल्टे दो सीधे, पांच उल्टे दो सीधे, फाइव पर टू नीट, फाइव पर टू नीट करते 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 कंप्लीट कर ली। अब फिर से ये पैटर्न रिपीट होगा, ओके वो फिर उसी तरह, इसी तरह हम ये करेंगे। ये तीन को मैं ऐसे पिक करूँगी, इन दो को उसी तरह मैं सीधा करूंगी, करने के बाद इनको वापस उसमें लाने के बाद ये फिर मैं ऐसे किया, धागे को ऐसे करने के बाद इस तरह मैंने वन टाइम निकाला, फिर ऐसे ये, फिर ऐसे धागा किया, फिर डाला, तो ये फाइव स्टिच हो जाएंगे। ओके उसके बाद टू रॉन्ग मैंने उल्टे डालने हैं, इसी तरह ये मेरा पैटर्न दोबारा से रिपीट हो जाना है। ओके इसी तरह मैं ये रिपीट करते करते, ये देखें कितने टाइम, इसी तरह इसको मैंने रिपीट, इसी पैटर्न को इसी तरह रिपीट किया। ये मैंने कितने टाइम किया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 स्टार्ट हुआ है। आप भी इसको इसी इतने ही इसी तरह इसको बनाते बनाते यहाँ तक बना लें। ओके ये मैंने, ये देखें सारा बनाते बनाते अप टू यहाँ तक बना लिया। ओके ये इस इनकी, और ये अब मेरे दोनों पैनल, ये भी और ये भी रेडी हो गए हैं, और ये अप टू मैंने 13 मेरा स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक बनाए हैं। और इनकी हम लेंथ देख लेते हैं टोटल कितनी हो गई है। इसकी लेंथ यहाँ से 9 इंच तक इसकी लेंथ हो गई है। ओके यस, अब मेरा मैंने बैक पैनल भी इसी तरह बनाया था, ये टू मेरे फ्रंट पाइन भी हो गए हैं। अब बारी है स्लीव्स की। मैंने शोल्डर से कटिंग करने से पहले स्लीव कटिंग करने से पहले ये मैंने इतने बना लिए। अब है बारी स्लीव्स की। स्लीव्स के लिए ये मैंने बॉर्डर बना लिया है, ये मैंने 44 स्टिचेस डाले हैं। ओके ये मेरे 44 स्टिचेस हैं ये, और इतना मैंने इसको, ये आप कह रहे हैं दो टू फिंगर या वन एंड हाफ, वही वन एंड हाफ इंच तक का तकरीबन बॉर्डर हो गया। ठीक, अब हम इसके डिज़ाइन डालेंगे। डिज़ाइन के लिए वही मैंने पहले, डिज़ाइन के लिए बिल्कुल ऐसे ही टू मैंने रॉन्ग डाले, ओके फाइव मैं राइट करूँगी, इसको नीट करूँगी, थ्री फोर फाइव, फिर दो मेरे उल्टे हो जाएंगे, वन टू एंड टू फाइव करके, फाइव सीधे दो उल्टे,
फाइव नीट करूँगी, टू पर्ल करूँगी, ये मैं इसको ऐसी पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी। ओके ये एंड पे भी मेरे टू रिमेनिंग रह गए। ओके टू ही मेरे इधर थे, टू ही मेरे इधर है। अब रॉन्ग साइड मैं ऐसे ही डालूँगी, यहाँ पे जो मेरे उल्टे थे वो सीधे जैसे बनेंगे, वो जो सीधे थे वो ऐसे उल्टे हो ट्विस्ट हो जाएंगे ये। अब यहाँ फाइव मेरे उल्टे बन रहे हैं, फाइव मैं इसको पल बनाऊंगी, एक दो तीन चार पाँच, ये दो सीधे। ओके इसी तरह ये मैं फाइव टू करके कंप्लीट कर, ये देखें। ओके अब मुझे एक तो पैटर्न डालना है, डिज़ाइन डालना है, दूसरा मुझे स्लीव्स के लिए यहाँ स्टिच भी बढ़ाना है, क्योंकि ये ऐसे उसको मैं कैसे बढ़ाऊंगी, एक को हम दो करेंगे, मुख्तलिफ तरीके हैं दो करने के। मैं यूजली ऐसे करती हूँ, वन बना लिया, धागे को ऊपर किया तो फिर ये रॉन्ग साइड से बना लिया। ओके ये इस तरह एक के दो हो जाते हैं और ये मेरा उल्टा ही है। ओके अब ये इन फाइव पे मैंने डिज़ाइन डालना है, जो जैसे मैंने सिखाया था इधर से आप ऐसे उतार लो। ओके इनको दोनों को सीधा करना है ऐसे, फिर इसको भी वापस डालना है उसी में वापस ले जाएं, और ये देखें ये सिलाई को आप इस तरह पकड़ के यर्न ओवर, हाथ को राइट साइड को थोड़ा ट्विस्ट करो तो ये स्टिच बन के आ जाएगा, वन स्टिच, ये टू स्टिच, और फिर ये फिर ऐसे किया, फिर जब मैंने हाथ को इधर किया तो ये स्टिच आ गया, ये थ्री वन स्टिच टू स्टिच, फिर जब मैंने वापस किया ऐसे और थ्री, फिर ऐसे फोर, और ये फिफ्थ। ये थोड़ा सा स्टेप आपको हॉल्ट करेगा लगेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे जो तो ठीक हो जाएगा। और ये फिर टू मेरे फिर रॉन्ग हैं, ये फिर मैंने उल्टे बनाए हैं, फिर ये उसी तरह इन तीन को मैं पिक करूँगी ऐसे, इनको ऐसे करूँगी और ये मैं वापस इसमें लेके जाऊँगी, और इन पांच को मैं सॉरी ऐसे करने के बाद थोड़ा सा राइट को ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो ये स्टिच बन के आ जाएगा। ओके दो हो गए, फिर मैंने ऐसे किया, फिर जब मैं यहाँ आई तो मैंने इसको ये थ्री, ओके फोर, और ये फिफ्थ आखिरी वाला, ऐसे करने के बाद इसको ऐसे ये मेरे फिर स्टिच हो गए। अब मैंने ऐसे रॉन्ग साइड ऐसे उल्टे बनाने, इसी तरह मैं फाइव टू करके जब यहाँ पे आऊँगी तो यहाँ पे मैं एक और स्टिच भी बढ़ा लूँगी जी। ये अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको ये सिलाइयों से मुश्किल लगता है तो आप क्रोशिया से भी कर सकते हो। वो कैसे, थ्री को ऐसे वापस किया, ठीक ये क्रोशिया मैंने लिया छोटे फेस वाला छोटे मुँह का, ये मेरे ख्याल में 2.5 mm मेरे पास है, इसको आपने इस तरह डालो और इस क्रोशियो को ऐसे आप इसमें सारे स्टिचेस ले लें। ओके लिए लेने के बाद फिर आप इसको ऐसे इजीली ये आप ऐसे खींच जाएगा, खींचने के बाद आप इसको इस पे चढ़ा इस पे ले ले। ओके लेने के बाद फिर उसी तरह आप धागा आगे करो, ठीक फिर क्रोशिया को वापस सुनी क्रोशिया में वही फाइव स्टिच ले ले। लेने के बाद क्रोशिया में से फिर धागे को ऐसे करने के बाद इसको खींचो, फिर ये आ जाएगा, फिर इसमें कर लो। इस तरह भी अगर आपको सिलाइयों से मुश्किल लगे तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हो। ओके फिर मैंने ऐसे एक स्टिच ऐसे धागा किया, फिर करने के बाद फिर ये करने के बाद फिर मैंने क्रोशिया में से ऐसे करने के बाद उसको पकड़ा और ये लास्ट स्टिच निकाल के इसके अंदर डाल लिया। इसी तरह ये अगर आपको सिलाइयों से मुश्किल लगता है तो आप इसको क्रोशिया के साथ भी कर सकते हो, और ये मैंने ऐसे लीव कर दिया। ओके और मैं आपको एक दफ़ा और दिखाती हूँ।
ये मैंने इन तीन को उसी तरह चेंज किया, करने के बाद इसको सीधा करने के बाद वापस उसी नीडल में आप ले गई। लेने के बाद अब मैंने क्रोशिया हुक लिया, क्रोशिया हुक को से ये 5 स्टिच मैंने उठाए। उठाने के बाद मैंने क्रोशिया को ऐसे किया करने के इसको ये इसको इसमें ले गई। स्टिच बनाने के बाद मैं इसमें ले गई, ठीक। ये मेरा स्टिच थोड़ा सा निकल रहा है ऐसे कर, ओके। करने के बाद अब फिर मैंने धागे को ऐसे किया, इसको पकड़ा, फिर मैंने क्रोशिया हुक में 500 स्टिच लिए। लेने के बाद क्रोशिया में से धागा ऐसे निकाला, ऐसे इसको पकड़ा और ये ऐसे एक और स्टिच बन गया। हो गया, ओके। अब फिर मैंने धागा ऐसे किया, फिर क्रोशिए में से 5 स्टिच उठाए। उठाने के बाद फिर मैंने ऐसे किया और ये मेरा क्रोशिया को निकाला, ये मेरा 5वां स्टिच हो गया और ये मैंने वापस इसमें डाल लिया, इसमें ले लिया, ओके। ये मेरे देखें उसी तरह 1, 2, 3, 4, 5 स्टिच बन गए। अगर आपको नीडल से मुश्किल लगता है तो आप क्रोशिया भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह मैं बना लेती हूँ, मैंने कंप्लीट कर लिया और ये मैंने कंप्लीट कर लिया और ये मैं एंड पे आ गई हूँ। अब एंड पे ये तो मैं ऐसे ही बना लूँगी और इसको मैं 1 के 2 करूँगी। ये ऐसे बनाया, धागा पीछे लेके गई फिर मैं, और ये मैं इस तरह बना लिया, फिर ये 1 के 2 हो गए, ओके। अब ये इस यानी कि फर्स्ट सिलाई पे ये मैंने दोनों साइडों पे दोनों बढ़ा लिए, ओके। अब मेरी ये होने लगी है सेकंड सिलाई पे मैं उसी तरह ये जो मेरे उल्टे हैं, ये 5 मेरे रॉन्ग हैं, उल्टे उल्टे बनाऊंगी, 2, 3, 4 एंड 5 दो सीधे, ओके। ये मेरी सेकंड सिलाई इसी तरह 5-2, 5-2 करके कंप्लीट हो जाएगी, ओके। मेरी सेकंड सिलाई कंप्लीट होगी। अब मैं थर्ड सिलाई डालने लगी हूँ। थर्ड सिलाई में उसी तरह जो मेरे रॉन्ग उल्टे हैं वो मैं उल्टे बनाऊंगी, जो सीधे हैं वो मैं सीधे, यहाँ 5 मरे सीधे आ रहे, 1, 2, 3, 4, 5 और 2 उल्टे। इसी तरह ये मैं सारी थर्ड सिलाई कंप्लीट करने वाली हूँ। ये मेरी थर्ड सिलाई कंप्लीट हो गई। अब मेरी फोर्थ सिलाई शुरू होने लगी है, फोर्थ रो मेरी शुरू होने वाली है। वो भी उसी तरह जो सीधे हैं वो सीधे हैं वो सीधे बनाऊंगी, जो उल्टे हैं वो उल्टे बनाऊंगी। ये मेरे 3 सीधे आ रहे हैं और 5 मेरे, 1, 2, 3, 4, 5 रॉन्ग, 2, 5, 2, 5 करके ये मैं पूरी फोर्थ रो अपनी कंप्लीट करूँ। फोर्थ रो कंप्लीट होगी। अब फिर मुझे, वैसे मेरी फिफ्थ रो है लेकिन यहाँ डिज़ाइन भी मुझे डालना है, ओके। डिज़ाइन भी होगा, इसको तो मैं पहले अब ये ऐसे ही बना लूँगी और उसी तरह मैं डिज़ाइन रिपीट करूँगी। ये मेरी फिफ्थ रो स्टार्ट होने लगी है, ओके। ऐसे उसी तरह मैं इन डिज़ाइन को कंप्लीट करती हूँ अपना फिफ्थ रो में, ओके। और ये सारा मैं इसी तरह बनाती हूँ। ये मेरी पूरी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है। अब 6 भी उसी तरह पैटर्न पे, जैसे सीधा है वो सीधा बनेगा पैटर्न के हिसाब से, जो उल्टा है वो उल्टा बनेगा। ये मेरे 3 सीधे थे और ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओके। ये बाकी सारे इसी तरह चलेंगे। ये मेरी 6 रो जा रही है, ओके। ये मेरी 6 रो कंप्लीट हो गई है, ओके। अब मैं यहाँ पे हूँ। अब 6 रो जब बनेंगे उसके बाद फिर हमने 1 के 2 बना देने, फिर यहाँ मुझे 1-1 बढ़ा लेना है यहाँ पे। इस तरह ये बाजू ऊपर से खुलते चले जाएंगे। ये फिर मैंने 1 के 2 कर दिए हैं यहाँ पे, ओके। और बाकी वो उसी तरह डिज़ाइन को लेके चलेंगे। जब हम एंड पे आएंगे तो फिर यहाँ पे 1 के 2 हो जाएंगे, ये फिर यहाँ एक और स्टिच बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह बनाते बनाते ये देखें, ये मैंने
ये स्लीव्स बनाई है, ये एक स्लीव मैंने बना ली है ये ऐसे। 44 स्टिचेस लिए, यहाँ मेरा एक एक स्टिच बढ़ा, फिर एवरी सिक्स के बाद मेरी एक स्टिच बढ़ गया, एवरी सिक्स के बाद बढ़ते बढ़ते ये यहाँ तक आ गया। और इसी दौरान एक पैटर्न और भी मेरा डलना शुरू हो गया साथ साथ। जब मैंने देखा यहाँ थ्री, मैंने पहले थ्री पे पैटर्न छोटा डाला, फिर ऐसे साथ ताकि वो जब सीए तो अच्छा लगे, ये पैटर्न डालना शुरू हो गए। और मैं आप लोग की सहूलत के लिए लिख भी देती हूँ, जैसे ये मैंने 44 स्टिच डाले, ये बॉर्डर था, बॉर्डर के बाद ऐसे स्लीव्स बढ़ेंगे, यहाँ मैंने एक का दो किया दोनों साइडों पे, ये मेरी फर्स्ट रो थी, फिर रॉन्ग साइड में मैंने टू हो गए, फिर थर्ड रो बनी, फिर फोर्थ रो बनी, फिर फिफ्थ रो बनी, फिर सिक्स बनी, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये दोनों साइडों पे एक के दो दो एक एक बढ़ा दिया, और ये फिर मेरी फर्स्ट काउंट होगी। फिर ऐसे ये इसी तरह जब फिर मैं यहाँ एक बढ़ा लूँगी या ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, आई होप कि आपको ये आज मैंने काफ़ी डिटेल में बाजू बताया है, आपको समझ आ गई होगी। और हर दफ़ा यूजली मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ठीक, अब आप इसकी इस लेंथ तक, यहाँ मैंने कितने पैटर्न रिपीट किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 पैटर्न तक आप इसको कंप्लीट कर लें, फिर हम इसको ज्वाइन करेंगे। जी ये देखें, ये मैंने उसी तरह पूरा स्लीव दोनों साइड्सों से बढ़ाते बढ़ाते ये कंप्लीट कर लिया है, और ये मेरा दो स्लीव है, ये दोनों स्लीव्स मैंने इकट्ठे कर लिए। ठीक है ना, अब मैंने सारे पैनल इसके फ्रंट के दोनों पैनल और ये बैक ये रेडी कर लिए हैं। अब मुझे इनको ज्वाइन करना है। ये किया है कि ये स्लीव्स को, एक स्लीव है ये मेरा बैक पैनल है ये, फिर एक दूसरा स्लीव है ये, और उसके बाद ये फ्रंट पैनल ये वाला। ओके, इन सारों को मैंने एक में डाल लिया। ओके, ये और इस वाले पे मेरा, इस सिलाई पे मेरा ये फ्रंट पैनल है, ये देखें ये बटन पट्टी के साथ वाला। ओके, अब मैं यहाँ से इन सारों को ज्वाइन करूँगी। पहले ये पैनल एक होगा फ्रंट का, फिर स्लीव, फिर बैक, ऐसे यहाँ से सिंपल इसी डिज़ाइन को लेके मैं अब ये डिज़ाइन की जो ये वाली रो चल रही है जिसमें मुझे 5 सीधे 1, 2, 3, 4, 5 सीधे और 2 उल्टे 2 रॉन्ग इस तरह डालने हैं। 5 पल करने, 5 मुझे ये नीट करने हैं, 2 पल करने हैं। इसी तरह मैं यहाँ तक आऊँगी और इसको आपस में ऐसे ज्वाइन कर लूँगी। देखिए ये मैंने यहाँ तक आ गई हूँ, अब 2 मेरे उल्टे हैं। ओके, ये 2 मैं ऐसे उल्टे बनाने के बाद, और इधर इसको इसको ज्वाइन कर लूँगी। यहाँ भी पहले 2 उल्टे हैं। हाँ, ये मेरी स्लीव्स थी। ओके, ये मेरे बाजू थे और ये मेरा बैक पैनल है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप ये डिज़ाइन इस तरह का करो कि उसने ऐसे कट होना हो, तो डिज़ाइन के ये जो खाने कह दो, स्टिच कह दो, फंदे कह दो, वो दोनों सेम होने चाहिए, तभी वो डिज़ाइन ऊपर जाके पैरेलल नाइस लगता है। अब ये मैंने 2 रॉन्ग है ना, अभी तो मैं ज्वाइन कर रही हूँ भाई, इस दफ़ा मैं कोई कटिंग नहीं कर रही। ओके, इनको मैं 2 उल्टे ऐसे बना लूँगी, 1 एंड इसको धागे को ऐसे खींचो और 2। ये धागा बाद में हम नॉट कर लेंगे, टाई कर लेंगे। चलो यहाँ भी एक नॉट कर लेते हैं, सेफ्टी एक नॉट इस पे भी कर लेते हैं सेफ्टी के लिए। ओके, ये और बाकी मुझे ये इसको ज्वाइन कर लिया। अब बाकी मुझे वही 5 सीधे 2 उल्टे, 5 सीधे, 5 ये 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह मैं ये सारे बनाते बनाते इनको इसको आपस में ज्वाइन कर लूँगी, इस बैक पैनल इस स्लीव्स को ज्वाइन कर लूँगी, फिर इसको बनाते बनाते इधर ज्वाइंट कर लूँगी। ओके, ये मेरा पूरा स्वेटर ऊपर से इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद मैं ये वाली रॉन्ग साइड पे, जैसे मेरे ये 5 उल्टे होंगे, 2 सीधे, 5 उल्टे, इसी तरह ये पूरी रो मैं कंप्लीट कर लूँगी। जी ये मैंने ज्वाइन करने के बाद रॉन्ग सिलाई भी पैटर्न के हिसाब से डाल ली। अब मैं
यहाँ से मुझे दोबारा पैटर्न को लेके मैं चल रही हूँ, जैसे मैंने आपको सिखाया वो कैसे दो मैंने यहाँ उल्टे डाले, आपको दोबारा रिमाइंड करा दूँ, ये फाइव में पैटर्न जाएगा, इन फाइव में से मैं तीन को ऐसे पिक किया मैंने, दो मैंने ऐसे करके सीधे किए, स्ट्रेट किए, ये ऐसे, ओके, और ये इनको तीनों को वापस इसी में लिया, और इन फाइव को मैंने उसी तरह, ओ सॉरी, फाइव को जब आप ऐसे करके राइट हाथ पे करेंगे तो ये स्टिच बनेगा, ओके। फिर मैंने ये करने के बाद जैसे दो तीन हो गए, सॉरी, ओके, ये हो गए। अब ये जो है ना मेरे यहाँ मेरा ज्वाइन हुआ था, दो ये उल्टे जो हैं ये बाजू के थे, दो ये जो मेरे उल्टे हैं स्टिच वो इसके थे, इन दो को मैंने एक करना है ऐसे, दो का मैंने एक कर लिया और ये भी दो मैंने एक कर लिए, ओके। बाकी सिलाई उसी तरह मैं ये पैटर्न को लेके चलूंगी जी। ये देखिए ये मैंने सारा बना लिया, अब यहाँ फिर मैं आ गई हूँ इधर, फिर देखो इधर फिर ज्वाइन था, अब इसके मुझे दो को एक करना है और ये भी दो एक करने, और बाकी मैं उसी तरह ये डिजाइन के हिसाब से सारा बनाऊंगी, यहां टूप करूंगी, टूप यहां मैं दो को एक एक बना दूंगी, डिक्रीज कर दूंगी वन वन, और यहां से भी मैं एक एक डिक्रीज कर दूंगी, इसी तरह इसको चलते रहना है, पैटर्न को साथ ले लेके इसी दफा एवरी राइट साइड पे आप एक एक डिक्रीज करते जाएंगे, ओके जी। मैं इसी तरह देखिए एक एक स्टिच कम करते करते यहाँ तक मैंने बना लिया, ये मैंने टोटल 16 स्टिचेस कम कर लिए हैं, वो आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि 16 हो गए हैं, ये देखो यहाँ तक ये दो भी मेरे कट हो गए, यहाँ तक 1, 2 and 5, 7, 2, 9, 9 और 5, 14 एंड ये साइड वाले 2, 15, 16 स्टिचेस मैंने यहाँ पे ऐसे कम कर लिए हुए, ओके। अब हमने इधर से इस अभी हमने ये इसकी बटन पट्टी बनानी है जो मैं सबसे एंड में ज्वाइन करूँगी, और अभी हम यहाँ तक आ गए हैं, ये सारे 16 इधर हो गए, 16 ही इधर, सारों में मैंने 16 मेरे स्टिच हो गए। अब मैं यहाँ से नेक की कटिंग करूँगी, नेक के लिए स्टिचेस को कट करूँगी, रिड्यूस आप या कह लें रिड्यूस, डिक्रीज, रिड्यूस, कुछ भी आप बोले करूँगी। सबसे पहले तो मैं 4 कम करूँगी, 1, 2, 3 and 4, ये मेरे 4 कम हो गए, और ये मैंने बाकी मुझे पैटर्न को साथ लेके उसी तरह चलना है, ये दो बनाने के बाद अब इस दफ़ा फिर मुझे वही पैटर्न डालना है। मैंने थ्री को ऐसे पिक किया, ये दो मैंने ऐसे लिए, इन तीनों को वापस मैंने इसी में किया, और ये यहाँ से यहाँ जब करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया है जब यहाँ पहुँचो तो राइट हैंड को आप थोड़ा सा ऐसे करो, सॉरी, जब आप यहाँ पहुँच जाओ तो राइट हैंड को थोड़ा सा इधर को पुश करो तो ये स्टिच निकलेगा, ओके, इजीली निकल जाएगा। ये 3 हो गए, फिर मैंने ऐसे किया और ये 5, ओके, अप 2, 1 and 2, इसी तरह फिर ये सारे बनाऊंगी जी। अब देखें यहाँ पे अब दोनों ना यहाँ मीट कर रहे हैं, ओके, ये दोनों इनके ये दो वाले आपस में कट हो गए। अब मुझे यहाँ पे एक काम करना है और इधर से भी एक काम करना है, ओके। अब मैं ये करूँगी कि पहले तीन को मैं उसी तरह पैटर्न के हिसाब से छोटा पैटर्न कर लूँगी, ऐसे करके ऐसे करूँगी और ये ऐसे ऐसे धागा को ऐसे ला के ऐसे, बस तीन स्टिचेस का ही मैं कर लूँगी, और ये इन दोनों को मैं ऐसे बंद कर लूँगी, ओके। इसी तरह ये दो बंद हो जाएंगे और इन तीन को मैं छोटा पैटर्न कर लूँगी, ऐसे तीन का धागा आगे फिर ऐसे तीन,
ये मेरे यहाँ पे छोटे वाला स्टिच हो जाएगा। जैसे ये देखें, यहाँ से मैंने ये स्टार्ट में ऐसे छोटा डाला था और ये किया था, ठीक है। इसी तरह अब ये सारी सिलाई मैं इसी तरह पैटर्न पे डालते डालते जहाँ जहाँ यहाँ मुझे रिड्यूस करना है ये मैं करूँगी, इधर करूँगी, करते करते मैं जब यहाँ पे आऊँगी, जब नेक्स्ट सिलाई शुरू करूँगी तो यहाँ से भी मैं 4 स्टिच नेक लाइन के लिए कम कर दूँगी। ये मैंने कंप्लीट करने के बाद जब मैंने रॉन्ग स्टार्ट किया था तो यहाँ से भी ये स्टिच को 4 को कम किया और ये पूरी सिलाई मैंने इसी तरह डाल ली। अब मैं यहाँ तक राइट साइड पे फिर आ गई हूँ। यहाँ अब मैं 3 कम करूँगी, पहले मैंने 4 कम किए थे, अब मैं 3 कम करूँगी। 1, 2 and 3, ओके, इतने कम कर। और बाकी सिलाई मैं सारी उसी तरह डालूंगी। यहाँ आऊँगी, इस जब मैं इस पॉइंट पे आऊँगी तो यहाँ हर जगह एक एक कट करना है, ये ऐसे ही चलेगा, हर दफ़ा एक एक कट होगा, ओके। ये पूरी सिलाई डाल के इस साइड पे भी 3 डाल लीजिएगा, 3 कम कर लिए। देखिए ये मैंने यहाँ पे पहले 4 कम किए, फिर 3 कम किए, फिर यहाँ 2 कट हुए, फिर 1 हुआ और ये 1 हुआ, ओके। इसी तरह मैंने इस साइड पर भी ऐसे 4, 3, 2, 1 किया, 1 किया और अभी अब मेरा धागा इस साइड पे है, रॉन्ग साइड पे, ठीक। और साथ साथ मैं यहाँ जो ये मेरे थे ये स्लीव्स के साथ ये जो पैनल जुड़ा था, ये यहाँ सारों पे हर दफ़ा एक एक मैं कम करती चली गई, ठीक है। तो इसकी ये शेप ऐसे आ गई है। अब दिखाती हूँ मैं इसकी, ये देखें ऐसे, ये ऐसे कटिंग होके, ये देखे ऐसे जा रही है ये कटिंग होके, ओके, स्लीव्स के साथ। अब मैं ये रॉन्ग साइड पे हूँ, ओके। तो मैं सिर्फ जब ये सीधी साइड होती थी उस वक्त यहाँ एक कम करती थी, ओके, यहाँ। अब मैंने हर रॉन्ग साइड पे भी कम करना है एक एक, वो कैसे वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ तो मैंने एक स्टार्ट पे तो कट करना ही है जो कि मैं नेक के लिए कट कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक कम कर लिया, फिर ये, और ये मेरे 2 सीधे आ रहे हैं, ये 1, 2, 3, 4 और 5, ओके, 5 ये। अब यहाँ देखो, यहाँ कट हुआ था ना ये, ये अब इस साइड से ये दोनों का एक हो जाएगा, कर दूंगी, ओके। अब इसी तरह ये 2 का एक हो जाएगा और ये बाकी उसी तरह मैं उल्टी सिलाई, रॉन्ग सिलाई डालती चली जाऊंगी। जब हम फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ मैं 2-2 एक एक करूँगी, फिर यानी कि हर इस जहाँ पे ये हर जोड़ पे मैं कर रही हूँ उल्टी रॉन्ग साइड पे भी उसी तरह मैं 2 एक एक कम करके 2 का एक बनाती चली जाऊँगी, ओके। ये पूरी सिलाई मैं इसी तरह कंप्लीट करूँगी। ये मैंने सारी सिलाई डाल ली है और हर जॉइंट पे मैंने यहाँ भी एक एक कम कर दिया, उसका 1 का 2। अब फिर मुझे, मैं राइट साइड पर आ गई हूँ, ठीक है। यहाँ से मुझे यहाँ से एक कम करना है, एक एक मैं अब इधर से कम करती जाऊंगी और बाकी मैं शोल्डर से कम करती जाऊंगी और के जॉइंट से, ओके। ये मैंने एक और यहाँ कम कर लिया, ये मेरे 2 रॉन्ग आ रहे, फिर ये 1, 2, 3, 4 सीधे डाले। अब ये देखें, अब ये देखें, यहाँ पे मुझे फिर इन ये जॉइंट जो आ रहा है ना, ये जोड़ यहाँ कम करना है, उसका ये करूँगी मैं यहाँ फिर 2 का एक कर लूँगी और यहाँ से भी मैं 2 का एक कर लूँगी। दोनों साइडों से एक एक कम करना होता है और बाकी इसी तरह जो पैटर्न के हिसाब से जो सीधे हैं वो मैं सीधे डालूँगी, जो उल्टे हैं वो मैं उल्टे डालूँगी और जहाँ जहाँ ये अब यहाँ जॉइंट आ रहा है, जहाँ जहाँ ये आ रहा है वहाँ वहाँ मैं कम करती चली जाऊँगी। अब यहाँ देखें, 1, 2, 3, ओके, 4। अब इन दोनों को फिर मैं एक कर दूंगी, अब इन दो का भी एक हो जाएगा, सॉरी 2 को एक हो जाएगा और ये बाकी उसी तरह, इसी तरह मैं यहाँ और यहाँ इधर भी कम करूँगी और ये पूरी सिलाई डाल लूँगी।
जी ये मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है और यहाँ यहाँ भी एक एक कट हो गया है। अब यहीं से मैं उल्टी सिलाई, उल्टी पे भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले तो ये मैं इसका वन कम करूँगी गले के लिए, गले के लिए कम करूँगी एक, और फिर मैं बाकी सिलाई उसी तरह डालते हुए हर जब जो होगा जोड़ वन टू वन टू थ्री। अब यहाँ ये देखिए थ्री के बाद इन दो ये ज्वाइन आ रहा है ना, ये आपस में ज्वाइन हो रहा है। ये देखिए यहाँ से और इन दो का मैं भी उल्टी साइड पे भी मैं दो का एक एक कम करूँगी। अब मैं यहाँ पे ऐसे जो स्टिच आ रहा है, यहाँ उल्टा स्टिच आ रहा है तो मैं उल्टे से कर लूँगी, जो सीधा होगा मैं सीधे से कर लूँगी, तो ताकि डिज़ाइन एक जैसा रहे वहाँ। अब बाकी सिलाई मैं इसी तरह जब नेक्स्ट जॉइंट पे आऊंगी वहां भी मैं फिर एक एक टू थ्री के बाद, अब फिर ये देखिए ये भी जॉइन आ रहा है, इधर भी मैं दो का एक, यहाँ भी टू का एक ऐसे कर लूंगी। ओके, और ये इसी तरह मैं इसको कंप्लीट करती हूँ पूरी सिलाई को। देखिए अब फिर मैं यहाँ फिर मैं इन दो का एक करूंगी और इसी तरह ये ज्वाइन आ रहा है, यहाँ भी दो दो को मैं एक बनाऊंगी, यहाँ भी बनाऊंगी, सारा का फिर बना दूंगी। ओके, रॉन्ग साइड पे फिर उसी तरह उल्टी साइड पे। अब इसी तरह इसकी और कुछ सिलाइयाँ डाल लें। देखिए ये मैं कम करते करते यहाँ तक इसी तरह बैक से, और ये देखिए ये नेक की ये शेप आ गई है अब। ओके, कितनी प्रिटी आई है। ओके, यहाँ से मैंने कितने कम किए ये मैं आपको बताती हूँ। पहले फोर कम किए, फिर थ्री, फिर टू, फिर वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव टाइम ये मेरे वन वन कम हुए। ओके, इस साइड पे, और इसको मैं लिख भी देती हूँ ये, और ये मिडल में मेरी इतना गैप पट्टी के लिए आएगा, ये जो बटन पट्टी के लिए। ओके, मैं लिख देती हूँ, ये मेरी ऐसे बटन पट्टी है इस साइड पे, और ये भी ऐसे आ रहा है, ये भी बटन पट्टी होगी दिस टाइप पे दोनों तरफ। यहाँ पहले मैंने वन टू थ्री फोर कट किए, फिर वन टू कम किए, सॉरी थ्री कम किए, फिर वन टू कम किए, फिर वन वन एवरी थ्री फोर फाइव। ओके, इसी तरह मैंने फोर थ्री टू वन 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 वन। ओके, इस तरह कम हुए इस साइड पे, और साथ साथ अब दूसरी बात जो ये शोल्डर के जो इधर से आ रहे हैं, ये मेरे पास कितने स्टिच बाकी रह गए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, एटीन टाइम टू थर्टी सिक्स थर्टी सेवन। अब थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी सेवन मेरे पास स्टिच रह चुके हैं। ओके, अब इसको हमने ऐसे ही छोड़ देना, मैं यहाँ से गले के लिए स्टिच उठाऊंगी और इसको साथ में ऐसे ही यूज़ कर लूँगी, और मेरी ये जो जब गले का बैंड बनेगा। ओके, अब ये अब यहाँ से आपका दिल चाहता है तो आप कॉलर बना लें, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है इस दफ़ा मैं सिंपल छोटा सा बैंड बना लूँ। ओके, तो समझ आ गई होगी। और हाँ, ये जो मैंने आपको बताया था कि मैंने बटन पट्टी के ये स्टार्ट में ही छोड़ दिए थे, इसको मैंने बनाना शुरू कर दिया ऐसे, ये देखें, और साथ साथ मैं इसको सीती जाती हूँ पता चले। इस तरह बनाने से ये होता है कि पट्टी ऐसे ऐसे खींचती नहीं है, ये ऐसे नहीं होती बिल्कुल, इसके हिसाब से देखें कितनी अच्छी नीट आ रही है। उसको बनाने का आपको मैं बताती हूँ, इसको सिंपल मैं ये तो खैर मैं ऐसे उठा के इसको ऐसे बना लूँगी, ये मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मेरे स्टेट है, फिर मैंने धागा आगे किया, फिर ये मैंने बनाया और इसको भी बना लिया। ओके, अब ये मेरी रॉन्ग साइड थी, अब राइट साइड पे मैं आई हूँ, उसको आप गौर से देखिए मैं क्या कर रही हूँ। ये मैंने इसको ऐसे ही करके इसको मैंने इसी तरह उठा लेना है, इसको बनाना नहीं है। ओके, बाकी मैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मैं स्टिच बनाऊंगी, निट करूंगी, सीधे बनाऊंगी, फिर इसको मैं ऐसे ही उठा लूंगी, उठाने के बाद धागा आगे लेके आऊंगी, लेके आने के बाद ये मैं इस तरह उल्टा बना लूंगी, इसको पर्ल कर लूंगी। ठीक है, फिर जब ये होगा रॉन्ग साइड पे आएगा तो ये जो मैंने
ऐसे ही उठाया था वो मैंने ऐसे बना लेना है ओके। और फिर इसको सीधे इसी तरह ये बटन पट्टी बढ़ती जाएगी और मैं साथ साथ इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद बनाने के बाद सी भी लूंगी ताकि मुझे अंदाजा हो जब यहाँ आएंगे तो ये दोनों ऐसे परली करनी है, उल्टे ही बनाने हैं। फिर यहाँ सीधी साइड पे आएगी, फिर मैं इसको ऐसे कर लूँगी उठा के, धागे को पीछे कर लूँगी, ये मैं ऐसे ही उठाऊँगी, सिक्स मैं सीधे बना लूँगी ठीक। और जब ये आएगी लाइन तो मैं इसको ऐसे उठाने के बाद धागा आगे लेके आऊँगी और ये मैं उल्टा बना लूँगी। इसी तरह ये मैं बटन पट्टी बनाती जाऊँगी, ये दोनों साइडों से देखिए एज बनता जा रहा है ऐसे ओके। अब मैं आपको इसको सीने का भी तरीका बताती हूँ। सिलाई ये ऐसे हमने करनी है, ऐसे करनी है, ये देखिए ये साथ साथ जो एक एक ऐसे ना सिलाई का एंड आ रहा है डॉट, उससे उठाना है ऐसे। इधर से मैंने वन उठाया ओके, वन टाइम, फिर ये देखिए नेक्स्ट ये आ रहा है, एक दफा मैंने वन उठा लिया, नेक्स्ट टाइम मैंने इधर से ये जो डॉटी से बन जाते हैं ना, ये दो दफा पिक करने हैं, टू पिक करने हैं। अगर आप एक एक करोगे तो पट्टी ने बहुत ज़्यादा ऐसे खींचना है, वो स्वेटर ने यहाँ से ऐसे उठना है, वो नीट नहीं लगना। अब ये करेंगे कि इधर से मैं यहाँ से दो उठा लूँगी, क्योंकि ये जो स्टिच होता है ना, ये स्टिच टाइट टाइट से बनता है। अब मैं इधर से एक उठा लूँगी एवरी पे, एक दफ़ा यहाँ से मैं एक दफ़ा उठाऊँगी, यहाँ तो एक एक दफ़ा ही उठना है, और नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ से टू उठाऊंगी। इस तरह आपने इस पट्टी को सीना है। दोबारा मैं आपको बताती हूँ गौर से, यानी कि यहाँ ये जो वन टू ऐसे एक एक आ रहे हैं, ये तो आप एक एक ही उठाओगे हर दफ़ा। इधर जो ये इधर देखें, यहाँ है, यहाँ है, दूर दूर है, यहाँ नज़दीक नज़दीक आ रहे हैं, क्योंकि ये जो स्टिच होता है ना, क्योंकि एक तो ये खाना ऐसे उठाते हैं और ये स्टिच जो सीधी सीधी की वजह से ये इकट्ठा होता है, ठीक है ना। अगर आप इसको करोगे तो ये ऐसे खींचेगा और ये पूरी जर्सी पीछे से उठेगी। अब मैं इसको ऐसे करने के लिए कि इसको तो मैं इस सारी साइड का एक एक ही उठाऊंगी, ये है, फिर ये इधर से मैं एक दफ़ा वन और एक दफ़ा टू, यहाँ मुझे अब वन उठाना है ठीक। अब देखिए यहाँ टू ये यहाँ आ रहा है और इसके अंदर ये वन टू इसके बराबर ये आ रहे हैं, तो इसलिए इधर से वन और इधर से टू, इस तरह एक दफ़ा वन एक दफ़ा टू, इस तरह वन टू वन टू वन, ये अब ये टू, यहाँ आके वन, अब यहाँ टू, इसी तरह इस जब इधर आओ तो यहाँ काउंट करो, जैसे इसको तो रहने ही दे आप, इसको नहीं करें ऐसे, यहाँ आया वन, फिर अब टू, इस तरह ये आप पट्टी बनाते चले जाएं। ये देखो यहाँ तक आ गई है, बस दो चार सिलाइयाँ और डलनी है, और ये पट्टी कितनी इसके बराबर ऐसे आई है, ये देखिए कितनी नीट लगी है ना, सारी इसकी खूबसूरती। समटाइम स्वेटर इतना अच्छा बना होता है, ये पट्टी से आके सारा ख़राब हो जाता है, कभी उठ रही होती है, कभी लूज जा रही होती है। आप इसी तरह इसी बनाए तो आपको देखिएगा ये पट्टी बहुत पहने हुए नीट लगती है। और ये और इसी तरह मैं इस साइड से भी बनाऊंगी, दूसरी साइड से भी यहाँ से उठा के, लेकिन यहाँ मैं बटन होल भी बनाती जाऊंगी ओके। बना के यहाँ तक जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर हम इधर से स्टिच उठा लेंगे और नेक लाइन बनाएंगे। ये पट्टी कंप्लीट करने के बाद मैंने ये बटन होल वाली पट्टी भी साथ साथ बना के जोड़ ली और साथ साथ इसके बटन होल भी बना लिए हैं। और अगर मैं आपको बताऊं ये कितने गैप के बाद बने, तो ये 14, ये जो ये स्टिच होता है ना गैदर, उसकी 14, यानी कि यहाँ अगर बना था ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 के बाद मैंने एक और बटन होल बना लिया। इस तरह ये सारे बनते चले गए इन सारों के 14 के गैप गैद के बाद ओके। ये अब यहाँ ये अभी इतना है, यहाँ मैंने बटन होल नहीं बनाया क्योंकि जब मैं पट्टी का बनाऊंगी तो वहाँ बनाऊंगी ठीक। ये तो हो गई आपकी इसी तरह, और अब ये देखें ये इसकी नेक लाइन हो गई है ये।
ये स्टिच तो वैसे मैंने बंद नहीं किए थे, आप अपनी आसानी के लिए बंद भी कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो, वरना इसको हम इसी तरह लेके चलते हैं। वो कैसे चलते हैं, अब ये देखे ये पट्टी मैंने बनाई हुई है ना, यहाँ पे धागा है इधर, अब इसको तो हम इसी तरह बनाएंगे और देखते हैं कि हम कितने स्टिच इसको, ये मैंने ऐसे उठाने के बाद इसको उठा लिया, उठाने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7th वाला मैंने उससे उठा लिया, और ये टोटल 10 की पट्टी है। ओके, टोटल 10 की पट्टी है। अब यहाँ से मुझे यहाँ तक देखते हैं हम कितने स्टिचेस उठते हैं यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ से अब हम चलें, मैं हल्के हाथ से थोड़ी थोड़ी गैप के बाद इसको स्टिच को उठाना शुरू करती हूँ, देखते कितने उठते हैं। ये हो गया 13 यहाँ से, चलो इस गैप में करते 14 और यहाँ एक 15। ये मेरे यहाँ से 15 स्टिच इजीली उठे हैं, थोड़ी थोड़ी ये देखें थोड़े थोड़े इक्वल गैप से 15 स्टिच उठे हैं। इट्स मीन 10 ये थे, 15 ये हो गए 25। ओके, 20 इस साइड पे भी, मैं दूसरी साइड पे भी नेक के कोशिश करूँगी, मैं 15 यहाँ से उठाऊँ और 10 पट्टी के होंगे 25। ये हो गए मेरे पास पूरे 50 स्टिच ये हो जाएंगे। बैक पे ये जो हमारे पास है ये 37 है, हाँ यस 37 ये हो गए 87, टोटल 87। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं 4 स्टिचेस के कम कर सकूँ, लेस करूँ, 4 या 5 तक मैं कम करूँ, क्योंकि 82 तक ठीक होंगे स्टिचेस, 80 से 82 तक स्टिच काफ़ी होंगे इतने साल के बच्चे के लिए। अभी तो मैं ऐसा करती हूँ, इनको ऐसे ही बनाना शुरू कर देती हूँ, ऐसे इसके साथ ही ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि पीछे से अगर हम, मैं पीछे से कुछ कम करती हूँ, क्योंकि अगर करूँगी तो ये बिल्कुल फ्लैट से खड़े से होगा, इस तरह राउंड थोड़ा सा नहीं बनेगा। मैं ऐसा करती हूँ यहाँ पे 3-4 कम करने की कोशिश करती हूँ, 1-2 ये मैं 3 के बाद 1 कम करती हूँ। ओके, 1 का 2 बना लेती हूँ, फिर 1, 2, 3, 4, 5 के बाद फिर मैं 1 कम कर लेती हूँ, मेरे 2 कम हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 के बाद फिर मैं 1 कर लेती हूँ, ये मेरे यहाँ से 3 कम हो गए, फिर 1, 2, 3, 4, 5 के बाद फिर मैं 1 कम कर लेती हूँ, ये मेरे 4 कम हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 के बाद फिर मैंने 1 कम किया, तो ये मेरे ये उठाने वाला यहाँ मेरा वो किया, तो ये मेरे 5 कम हो गए हैं, 87 में से मैंने 5 कम किए, तो ये मेरे पास 82 तक ठीक होंगे, ये बाकी मैं ऐसे ही बना लूँगी। ओके, इस तरह करने से पीछे से भी थोड़ा सा राउंड शेप आएगी नेक की। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक मैं 15 दोबारा उठाऊँगी।
अब मैं यहां से फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और ये फिफ्टीन, ये पूरे देख लें आपके सामने थोड़ी थोड़ी गैप के बाद मैंने डाले तो ये पूरे आए। ओके, ये फिर यहाँ फिफ्टीन मेरे हो गए और इसको मैं अब प्रोलूंगी निकाल के सेफ्टी पिन से इसमें डाल लूँगी। ये मैंने 10 इसमें डाल लिए। ओके, अब ये तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी, इसको मैंने वैसे ही उठाना है जैसे पट्टी के लेके चल रही हूं। ठीक, ये मेरे सारे सीधे होंगे। और फिर ये वाला भी मैं ऐसे ही उठा लूंगी और इसको धागा आगे लेके आऊंगी और ये मैं बना लूंगी। ठीक, अब ये टोटल मेरे कितने हो गए, इतने का इतनी नेक हो गई है, ये देखें ये। अब मैं बनाऊंगी तो ये मेरी ऐसे नेक हो जाएगी, ये देखें, मैं ऐसे करके दिखाती हूँ। ओके, अब ये देखें ये मेरे नेक के ऐसे उठाए गए हैं ये। अब ये जब बनेंगे ना तो ये बड़ा खूबसूरत सा बैंड सा नेक बन जाएगा जिसे बैंड कॉलर कहते हैं। ओके, अब बस अब मुझे 5-6 इसी तरह ये सिलाइयाँ इसी तरह 1 2 3 4 5 तक मुझे इसी तरह सीधा सीधा ही बनाना है और उसके बाद ये बंद हो जाएगा और गला बन जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ से उठाऊँगी, ये तो एक मैंने ऐसे ही लेके चलना है, ये तो मैं उल्टा बनाऊंगी। ओके, उसके बाद इसी तरह मैं सीधी सीधी सिलाइयाँ डालती चली जाती हूँ। और ये भी एक उल्टा इस यहाँ आ रहा है ना, ये जो ये इसका भी एक उल्टा बनेगा, बाकी सब सी बस ये दो दो स्टिच जो है ना, ये जो पट्टी के आ रहे हैं बस ये उल्टे बनेंगे, बाकी सारा सीधा सीधा सीधा। ओके, इसको बनाते चले जाए। मैंने पूरा गले को उसकी 1 2 3 4 5 5th के बाद मैंने इसको बंद कर दिया। आई थिंक इतना ही नफ चौड़ा है, ये देखें। अब मैं यहाँ पे ऐसे बटन लगा लूँगी और ये इस शेप का ये गला रेडी हो जाएगा छोटा सा। ठीक, और इस टाइप के ऐसे ये देखें बटन लग जाएंगे और मैं साइडों से भी यहाँ से सी लूँगी और ये मेरा जंपर रेडी, ये देखें ये सारा। जब ये बच्चा पहनेगा ना तो उस बॉडी के हिसाब से उसकी शेप ऐसे एडजस्ट हो जाएगी। अभी ये थोड़ा पैटर्न कुछ ऐसा है, ऐसे आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा ऐसे टाइटन हो रहा है, लेकिन जैसे ही बच्चा इसको पहनेगा तो इसकी ये हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगा और ये बड़ा अच्छा बनेगा। और अगर मैं ये पीछे से जैसे आपको बताया 5-5 काम नहीं करती ना, तो गले ने ऐसे यहाँ से ऐसे फ्लैटन सा होना था। ओके, इस तरह ये थोड़ा सा ऐसे जब मैं बटन लगाऊंगी तो ये थोड़ा सा ऐसे पहने हुए राउंड शेप में आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये एफर्ट भी लाइक हुई होगी। अगर लाइक हुई है तो इसको शेयर करें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर और किसी के साथ हाजिर होंगी किसी और प्रोजेक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।